पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी कूल फ्रिज कैसे काम करता है। आपके ऑप्शंस थे, सही जवाब है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के सिद्धांत से। मिट्टी से बने इस फ्रिज की खासियत है कि ये सस्ता होता है और इसमें बिजली का बिल नहीं आता और सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल टेस्ट को बनाए रखता है। मनसुख भाई के इनोवेटिव हुनर को इम्प्रूव करके नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने एक नई उड़ान दी। इस फ्रिज के तलवे और ऊपरी भाग को पानी से ठंडा रखा जाता है। करीब 10 लीटर पानी यूज होता है और 5 से 6 किलो तक की चीजें स्टोर कर सकते हैं। कई सही जवाबों में चुने गए विनर है भागलपुर बिहार के ममता कुमारी मेहता, जो हमें लिखती है, नमस्ते सिद्धार्थ जी और रेणुका जी, मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर हफ्ते मैं इसे देखती हूँ। इसमें बहुत सी रोचक चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमें मनोरंजन के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देता है। मुझे उम्मीद है कि हुनरबाज मुझे मेरा करियर चुनने में मदद करेगा। और वहीं हैदराबाद के नरेश कुमार लिखते हैं, मैं बेरोजगार हूँ और इस वजह से थोड़ा परेशान भी, पर ये शो मुझे एक नया आत्मविश्वास देता है। हम जानते भी नहीं थे कि हमारे चारों तरफ रोजगार के कितने अवसर मौजूद हैं। So congratulations, मुबारकबाद। और अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। सवाल के पहले एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं? अच्छा, बताइए बताइए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाली एंट्रीज में से तकरीबन 60% एंट्रीज इंडिया से आती हैं। यानी इतना हुनर छुपा है हमारे देश में। ज्यादातर लोग अपने हुनर को अपनी हॉबी बना लेते हैं। जी, उदाहरण के तौर पर कबूतरबाजी ही लीजिए। देश के छोटे बड़े गांव शहर में आज भी लोग छतों पर जाकर अपने कबूतरबाजी के हुनर को संवारते हैं। लेकिन अफसोस, ये हुनर धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। आई एग्री। बचपन में मैं भी एक ऐसा हुनर प्रैक्टिस करती थी। आप कबूतरबाजी? जी नहीं, पतंगबाजी। हमारे देश में एक काइट म्यूजियम भी है। काइट म्यूजियम? जी हाँ, और आज आपको हमें बताना है कि इस काइट का म्यूजियम किस शहर में है। हमारा आज का सवाल है, पतंग का म्यूजियम किस शहर में है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जोधपुर। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर है जो पतंगबाजी का दीवाना है? ओ। और इस शहर में एक दीवाने ने सरकार की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत काइट म्यूजियम बनाया। इसे तो मुझे थोड़ी सी आइडिया आ रही है कि कौन से शहर में ये म्यूजियम हो सकता है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB space 08 space ABC space अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 आवर्स के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा ₹10,000 का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पे चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 0880000555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। जिस देश की रीति रिवाजों में 16 श्रृंगार की परंपरा सदियों से चली आ रही है, उस देश में खूबसूरती और उससे जुड़े हमारी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की कद्र हमेशा की जाएगी। जी हाँ, तो आज के बाद जब भी आप अपने मनपसंद कलाकार को या फिर सिंगर या मॉडल को टीवी पर देखें तो सराहना कीजिएगा उनको इतना आकर्षक बनाने वाले उन प्रतिभावान हाथों की, जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया के सामने अपने इस हुनर को प्रस्तुत कर देते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ हुनर होता है वह उनके सच्चे कदरदान भी मौजूद ही होते हैं। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? What are you waiting for? Take a plunge और बन जाइए हिस्सा इस ब्यूटी इंडस्ट्री का। Yes, till then, stay beautiful and stay healthy.
पेशेंट को चेस्ट पेन है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कौन है जो मेडिकल क्राइसिस में केवल 60 सेकंड में आपकी जान बचाता है, जिस पे डॉक्टर भी सही इलाज के लिए डिपेंड करते हैं, बताएंगे हुनर बास के अगले मेडिकल एपिसोड में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सांस चल रही है लेकिन थोड़ी तेज है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है और कोई भी जीत सकता है इस कॉम्पिटिशन को।